आज मैं आप सबके समक्ष गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा रचित खूनी हस्ताक्षर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वह खून कहो किस्मत लब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस्मत लब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस्मत लब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा, आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंजी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, शीश बटाने का सौदा उनके सर जेला जाता है, कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा उनकी उनकी रक्त तिम काया, आजा मुँह बाहू ऊंची करके फिर बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब किनारों के कोसों तक छाए जाते थे, हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, जन में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे, बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, तो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है, इसको भरने वाले जन को सर्व सब संपन्न करना है, अपना तन मन धन जन जीवन दाता को अर्पण करना है, पर यह साधारण पत्र नहीं आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने जीवन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है, वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता है, वह आगे आए जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंसकर लेता हो, सारी जनता हुंकार उठी हम आते हैं माता के चरणों में, ये लोग अपने रक्त चढ़ाते हैं, साहस से बड़े युवक उस दिन देखा ही बढ़ते आते थे, चाकू छुरी कटाइयों से वे अपने रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की चाही में वे अपने कलम भिगोते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे, उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारण वीरों ने